भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लोकसभा और राज्यसभा ने आपके उज्जवल भविष्य के लिए, दलित पीड़ित शोषितों के भविष्य के लिए, लोकसभा राज्यसभा ने, सभी सांसदों ने इस बिल को पास करने में मदद की है। आप खड़े होकर देश की संसद का सम्मान कीजिए, देश की पार्लियामेंट का सम्मान कीजिए, देश की लोकसभा का सम्मान कीजिए, देश की राज्यसभा का सम्मान कीजिए। देश की जनता ने चुने हुए हमारे सांसदों का सम्मान कीजिए, पूरी ताकत से सम्मान कीजिए। दोस्तों, साथियों, मैं भी आपके साथ जुड़ करके देश के दोनों सर्वोच्च सदन, लोकतंत्र के मंदिर, वहां बैठे हुए जनप्रतिनिधि, मैं आपके साथ मैं भी उनको प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। साथियों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून, ये भारत के किसी नागरिक के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ये कानून उसके लिए है ही नहीं। ये पार्लियामेंट में बोला गया है और पार्लियामेंट में गलत बयानबाजी अलाउ नहीं होती है। ये कानून इस देश के अंदर जो 130 करोड़ लोग रह रहे हैं, उनका इस कानून से कोई वास्ता नहीं है। दूसरी बात, एनआरसी, इसका भी ऐसा झूठ चलाया जा रहा है। ये कांग्रेस में जमाने में बना था, तब सोए थे क्या? हमने तो बनाया नहीं, पार्लियामेंट में आया नहीं, न कैबिनेट में आया है, न उसके कोई नियम कायदे बने हैं। हवा खड़ा किया जा रहा है। और मैंने पहले ही बताया, इसी सत्र में आप लोगों को जमीन और घर का अधिकार दे रहे हैं, न कोई धर्म जाति पूछते हैं, तो क्या दूसरा कानून आपको निकाल देने के लिए करेंगे क्या? बच्चे जैसी बातें करते हो। इस बिल के पास होने के बाद कुछ राजनीतिक दल तरह तरह की अफवाहें फैलाने में लगे हैं। वे लोग भ्रमित कर रहे हैं, भावनाओं को भड़का रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या जब हमने दिल्ली की सैकड़ों, इस बात को समझिए भाइयों बहनों, मैं जरा ये भ्रम फैलाने वाले, झूठ बोलने वाले लोगों से जरा पूछना चाहता हूं, क्या जब हमने दिल्ली की सैकड़ों कॉलोनियों को वैध करने का काम किया, तो क्या किसी से पूछा था कि आपका धर्म क्या है, आपकी आस्था क्या है, आप किस पार्टी को वोट देते हैं, आप किस पार्टी के समर्थक हैं? क्या हमने आपसे कोई सबूत मांगे थे? 70 का सबूत लाओ, 75 का सबूत लाओ, 80 का सबूत लाओ, मांगा था?
केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ हिंदुओं को भी मिला, मुसलमानों को भी मिला, सिख भाई बहनों को मिला, ईसाई भाई बहनों को मिला, जो भी यहां बसते हैं उन सबको मिला। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम देश से लगाव के कारण जीते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को समर्पित है। न हमने कभी किसी का धर्म पूछा, न जानने की कोशिश की, न हमने कभी यह पूछा कि हम मंदिर जाते हैं कि मस्जिद जाते हैं कि गुरुद्वारा जाते हैं कि चर्च जाते हैं। हमने कभी नहीं पूछा। इस तरह के आरोपों के बहाने भारत को दुनिया भर में बदनाम करने की साजिश क्यों हो रही है? साथियों, इन लोगों ने दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों को अराजकता और डर के माहौल में धकेलने की नापाक कोशिश की है, साजिश की है। जिस तरह बच्चों की स्कूलों पर हमले हुए, यात्री बसों पर, ट्रेनों पर हमले किए गए हैं, लोगों की गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, साइकिल को, छोटी छोटी दुकानों को जलाया गया है, भारत के ईमानदार टैक्स पेयर का पैसा, उससे बनी सरकारी संपत्ति, उसे आग में खाक कर दिया गया है, उसे नुकसान पहुंचाया गया है। इनकी राजनीति कैसी है, इनके इरादे कैसे हैं, यह देश भली भांति समझ चुका है। कांग्रेस और उसके जैसे दलों ने चिल्ला दिया कि वो देखो क्या चल रहा है। अब मैं बताता हूं, ये कांग्रेस वालों ने और उसके साथियों ने चिक चिक करके बोला, वो देखो कौवा कान काट कर उड़ गया, कौवा कान काट कर उड़ गया। और कुछ लोग कौवे के पीछे भागने लगे। अरे भाई, पहले अपना कान तो देख लीजिए कि कौवा काट गया कि नहीं काट गया। पहले ये तो देख लीजिए कि एनआरसी के ऊपर कुछ हुआ भी है क्या? झूठ चलाया जा रहा है। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो हो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। क्या बातें कर रहे हो? झूठ फैलाया जा रहा। कांग्रेस और उसके साथी शहरों में रहने वाले कुछ पढ़े लिखे नक्सली अर्बन नक्सल ये अफवाह फैला रहे हैं कि सारे मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। मैं हैरान हूं कि इस अफवाह ने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी वे भी पूछ रहे हैं ये डिटेंशन सेंटर क्या होता है, कैसा झूठ, कैसा। और एक तरफी मैं एक मीडिया रिपोर्ट देख रहा था,
जिसमें मीडिया के लोगों से पूछ रहे थे कि ये जरा बताइए भाई डिटेंशन सेंटर कहां बना है, आपको पता है क्या? तो सामने वाले उनको पूछ रहे थे कि हमने तो सुना है इसलिए कह रहे हैं, सुना है तो किस लिए है? कोई जवाब नहीं, झूठ चलाया जा रहा है। अरे भाई कुछ तो अपनी शिक्षा की कदर करिए, एक बार पढ़ तो लीजिए कि संविधान संशोधन और एनआरसी ये सब है क्या? आप तो पढ़े लिखे लोग हो। मैं देश के नौजवानों को आग्रह करता हूं जरा पढ़िए इसको। अब भी जो भ्रम में है मैं उन्हें कहूंगा कि कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर की अफवाह सरासर झूठ है, बद इरादे वाली है, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान है, जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान है, जिनके पुरखे मां भारती की संतान है, भाइयों बहनों उन पर नागरिकता कानून और एनआरसी दोनों का कोई लेना देना नहीं है। कोई देश के मुसलमानों को न डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, न हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है। भाइयों बहनों ये सफेद झूठ है, ये बद इरादे वाला खेल है, ये नापाक खेल है। और मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं, अगर मोदी को देश की जनता ने बिठाया, ये आपको अगर पसंद नहीं है मैं समझ सकता हूं, तो आप मोदी को गाली दो भाई, मोदी को नफरत करो, मोदी का जितना विरोध करना है जरूर करो। आपको मोदी से नफरत है, गुस्सा जितना निकालना है निकालो। अरे मोदी का पुतला लगा करके आते जाते जूतने जूते मारने हैं मारो, मोदी का पुतला जलाना है जलाओ, लेकिन देश की संपत्ति मत जलाओ, गरीब का ऑटो रिक्शा मत जलाओ, गरीब की झोपड़ी मत जलाओ। मोदी पे निकालो, गरीब ऑटो वालों, गरीब बस वालों, मारकर पीटकर आपको क्या मिलेगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अपने राज्य में सिटीजनशिप अमेंडमेंट लागू नहीं करेंगे। अरे आप मुख्यमंत्री हो, आप चुने हुए लोग हो, भारत के संविधान को सामने रख करके शपथ लिया है, अरे तिरंगे झंडे के नीचे खड़े रहते हो, पंजाब सिंध गुजरात मराठा राष्ट्रगान करते हो और ऐसे बयान देते हो। अरे पहले कम से कम अपने राज्य के
कानून के जो जानकार है उनसे जरा बात तो कर लो, बंद कमरे में कर लो, ताकि ऐसी बेइज्जती ना हो आपकी। जरा अपने एडवोकेट जनरल से पूछो कि क्या ऐसा किया जा सकता है, क्या क्यों ऐसा करते हो भाई। साथियों, नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों के हाथ में लोकशाही देश में, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के देश में विरोध के नाम पर जब ऐसे लोगों के हाथ में ईंट पत्थर और लाठियां देखता हूं तो मुझे भी और 130 करोड़ देशवासियों को भी तकलीफ होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? कोई हिंसा से सहमत है क्या? आगजनी से सहमत है क्या? निर्दोषों की पिटाई से सहमत है क्या? लेकिन भाइयों बहनों, मेरी सोच अलग है। उनके हाथ में जब हिंसा के साधन देखता हूं, हिंसा का व्यवहार देखता हूं तो तकलीफ होती है। लेकिन जब उन्हीं में से कुछ लोगों के हाथ में तिरंगा देखता हूं तो कुछ सुकून भी होता है। जो लोग इस तरह का झूठ बोल रहे हैं उन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना, धार्मिक कारणों से परेशानी जो हुई, प्रताड़ना जो हुई, उन्हीं लोगों को सुरक्षा देने के लिए ये कानून है। भाइयों और बहनों, ये वो लोग हैं। और ये कौन लोग हैं मैं हैरान हूं, कुछ दलित नेता भी बिना समझे इसमें घुस गए हैं। जब मेरी बात सुनेंगे तो समझेंगे। उनको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान से जो अधिकतर जो हमारे शरणार्थी आए हैं वो मेरे दलित भाई बहन हैं, दलित परिवार के हैं। भाइयों बहनों, ये वो दलित परिवार है जिनको पाकिस्तान में बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया था। आज भी पाकिस्तान में उनके साथ स्थिति ये है कि अगर दलित परिवार का कोई व्यक्ति चाय पीता है तो उसको चाय के साथ साथ उस चाय के बर्तन का पैसा भी देना पड़ता है और बर्तन साथ ले जाना होता है। भाइयों बहनों, एक ऐसी चर्चा है, पार्लियामेंट में चर्चा हुई, अगर हिंदुस्तान के राजनीतिक नेताओं को अपनी स्वार्थ निधि राजनीति से दूर का दिखता, ये ऐसा मौका था हम दुनिया में पाकिस्तान कैसे मानव अधिकार विरोधी है, पाकिस्तान कैसे माइनॉरिटी पर जुल्म करता है, पाकिस्तान में माइनॉरिटी की क्या दुर्दशा है, ये चित्र पूरी दुनिया में ले जाने का उत्तम अवसर था। लेकिन इन्होंने उल्टा कर दिया, क्योंकि उनको देश नहीं, उनको उनका दल दिखता है। इसके कारण देश की भलाई के लिए और दुनिया में पाकिस्तान के करतूतों को खुला करने का मौका भी इन लोगों ने गवा दिया। और मैंने पहले कहा उस प्रकार से, मैं दलित राजनीति करने वालों का दावा जो करते हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप इतने वर्षों चुप क्यों थे, आपको इन दलितों की तकलीफ कभी क्यों नहीं दिखाई दी। आज जब इन दलितों के जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर करने का काम अगर मोदी सरकार कर रही है तो फिर आपके पेट में चूहे क्यों दौड़ रहे हैं। किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए है।
हमारे तीन पड़ोसी देशों के वो अल्पसंख्यक जो अत्याचार की वजह से वहां से भागकर भारत आने के लिए मजबूर हुए हैं, उन्हें इस एक्ट में कुछ मदद की गई है, रियायत दी गई है, कुछ डील दी गई है। और ये रियायत भी मोदी की सोच है ऐसा मानने की जरूरत नहीं है, ये रातों रात मोदी को विचार आ गया इसलिए मोदी ने कर दिया, ऐसा नहीं है। ये रियायत महात्मा गांधी की भावना के ही अनुरूप है। महात्मा गांधी ने कहा था कम से कम ये लोग जो महात्मा गांधी को लेकर के देश पर बातें करते रहे हैं और आज भी गांधी सरनेम का फायदा उठाने की बातें करते हैं, जरा वो कान खोल करके सुन लो। गांधी जी ने कहा था गांधी जी ने कहा था, मोदी को मानो या न मानो, अरे गांधी को तो मानो। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख साथियों को जब लगे कि उन्हें भारत आना चाहिए तो उनका स्वागत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्य महात्मा गांधी कह रहे हैं। भाइयों बहनों, ये छूट ये रियायत तब की भारत की सरकार के वादे के मुताबिक है जो बंटवारे के कारण उस समय अल्पसंख्यक बने करोड़ों भारतीयों के साथ आज से 70 साल पहले जो वादा किया गया था उस वादे को हम निभा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 10 साल इस देश पर उन्होंने प्रधानमंत्री पद के रूप में राज किया। उन्होंने संसद में कहा था, खड़े होकर कहा था, उसकी वीडियो क्लिपिंग अवेलेबल है। उन्होंने कहा था कि हमें बांग्लादेश से आए उन लोगों को नागरिकता देनी चाहिए जिनका अपनी आस्था की वजह से वहां पर उत्पीड़न हो रहा हो, जो वहां से भाग करके भारत आ रहे हैं। बताइए भाई, ये मनमोहन सिंह जी ने कहा, अगर वो मोदी करता है तो मोदी गुनहगार बन जाता है क्या? मोदी किसी का दुश्मन बन जाता है क्या? मोदी किसी का बुरा करने के लिए सोच रहा है क्या? इतना ही नहीं, एक दौर था जब असम के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता तरुण गोगोई 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी चिट्ठियां लिखा करते थे, असम कांग्रेस प्रस्ताव पास करती थी कि जिन लोगों पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, जो वहां से यहां आ रहे हैं, उनकी मदद की जाए। ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री की बातें हैं, ये कांग्रेस पार्टी के प्रस्तावों की बातें हैं। एक समय था जब राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे अशोक गहलोत, अभी फिर से भी वो मुख्यमंत्री हैं, वो पहले जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने भी शरणार्थियों के प्रति हमदर्दी के लिए बातें कही थी। वो तो सरकार से मांग करते थे, ये मैं गहलोत जो कांग्रेस के यहां पर बड़े प्रिय नेता हैं, यहां एक परिवार के, और पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, और पहले जब मुख्यमंत्री थे तब वो मांग करते थे कि जो हिंदू या सिख पाकिस्तान से भागकर यहां आए हैं उनकी स्थिति सुधारे जाए। लेकिन ये रातों रात बदल गए, वोट बैंक का खतरा लगने लगा, वो सारी हमदर्दी, मेहरान हूं
आज उनके पेट का दर्द बन गई है। जो कल तक हमदर्दी थी वो खुद के लिए दर्द क्यों बन गई? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।